नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गस फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो GTL में अगर देखें तो दोस्तों जो तेज़ी थी वो कल भी देखने को नजर आए थे, पर क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों सेम प्राइस पर मार्केट जो है कंटिन्यूसली क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। अब कमेंट्स ये देखने को मिला कि कंपनी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, कितना प्रॉफिट कंपनी को यहाँ पर हो सकता है क्वार्टर टू के अंदर, और साथ ही साथ दोस्तों अभी टाइम मंडे को लेकर चार्ट का जो संकेत है वो किस प्रकार का यहाँ पे होने वाला है, और अभी के टाइम हम लोग का जो डिसीजन है वो किस प्रकार का होने वाला है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो दोस्तों आज की जो लास्ट क्लोजिंग है दोस्तों 1.05 रुपये पर देखने को नजर आई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो लास्ट क्लोजिंग दोस्तों 1 रुपये पर देखने को नजर आई थी। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में अभी टाइम जो है आज का जो बड़ा जंप है दोस्तों 1.05 रुपये तक यहाँ पे देखने को मिला, ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव देखने को नज़र नहीं आई। पर उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो कंपनी में अभी के टाइम जो है दोस्तों जो है गिरावट कंटिन्यूसली नज़र आई है। वो किस बेस पर बता रहा हूँ वो देखे जाए तो दोस्तों कंपनी में गिरावट तो देखने को ऑलरेडी पिछले 1 महीने में नज़र आई है, क्योंकि दोस्तों 1.30 रुपये से मार्केट जड़ के आसपास दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो 95 रुपये तक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। लास्ट क्लोजिंग में देखने को जो नज़र आई वो दोस्तों 1 रुपये पर नज़र आई, पर आज की जो है दोस्तों 1.05 रुपये पर नजर आई। पर गिरावट इस वजह से देखने को नजर आई कि कंपनी में जो है मार्केट कैप में गिरावट नजर आई है। फिलहाल भारी सेगमेंट जो CMP जो पर दोस्तों वापस रिकवरी भले देखने को मिल गई होगी, पर अभी के टाइम जो है आंतरिक सेगमेंट मार्केट कैप की बात की जाए तो उसमें अभी टाइम जो है गिरावट यहाँ पे देखने को नजर आई है। अभी टाइम कंपनी का जो मार्केट कैप है दोस्तों 1290 करोड़ का यहाँ पे नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अभी टाइम कंपनी में जो लगातार देखने को नजर आया कि फिर से दोस्तों अभी टाइम कंपनी में सेल्स की जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है, गिरावट की तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अभी टाइम देखा जाए तो कंपनी में दोस्तों प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी दोस्तों रिकवर हो चुकी है। सीधे सीधे अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे बन सकता है, पर अभी टाइम कंपनी में दोस्तों टोटल जो है ऑपरेटर्स का गेम यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी लगातार जो है उतार चढ़ाव तो देखने को मिले, पर उसमें कंपनी का जो फंडामेंटल है वो नेगेटिव देखने को नजर आया। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने पिछले टाइम दोस्तों जो IDBI बैंक के नाम से जो कंपनी थी उसको कंपनी ने अपने जो पैसा था जो जो प्रोजेक्ट्स का जो अमाउंट थी वो यहाँ पे रिकवरी को लेकर दोस्तों कंपनी ने अपने जो जो है जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी थी कंपनी को, कि कंपनी का दोस्तों उस प्रोजेक्ट के जो पैसे रिकवर होंगे उसमें कंपनी का कुछ जो है IDBI के नाम से जो फाइनेंशियल कंपनी है उसका दोस्तों उसमें कुछ हिस्सा होगा। RBI की तरफ से ये गाइडलाइन की गई थी कि कंपनी को अपने जो पैसा है वो किसी छोटी फाइनेंशियल कंपनी के थ्रू अपना जो पैसा है वो रिकवर करवा सकती है, उसके पास टोटल जो है अथॉरिटी यहाँ पे रहने वाली है। तो कंपनी जो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाली है उसने अपना जो पैसा रिकवर करने के लिए दोस्तों IDBI नाम की जो फाइनेंशियल कंपनी है उसको यहाँ पे जो है अपना जो जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पे सौंपी है। तो कंपनी अभी टाइम जितना हो सके दोस्तों टोटल जो पैसा है वो रिकवर करने के बारे में सोच रही है, और जितना अगर पैसा रिकवर होता है तो वो मार्केट कैप के रूप में यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, और कंपनी का जो कर्ज है उसको यहाँ पे कम किया जा सकता है। अगर अगर बात की जाए दोस्तों टोटल अमाउंट की तो कंपनी का जो टोटल अमाउंट है वो दोस्तों 6,445 करोड़ के आसपास जो है करोड़ का जो कर्ज जो पैसा है वो भी टाइम बाकी चल रहा है प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के बाद का। तो अगर इतना पैसा अगर कंपनी का रिकवर होता है तो दोस्तों आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का जो कर्ज है वो 4,500 करोड़ का देखने को नजर आ रहा है। उसके बाद भी अगर कंपनी अपना कर्ज पे आउट करने के बाद भी अगर पैसा बचता है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पे बचता है, जो 1,500 से 1,600 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है, कहीं 2,000 करोड़ के अमाउंट के आसपास यहाँ पे बढ़ोतरी यहाँ पे हो सकती है कंपनी के अंदर। तो ये फंडामेंटल काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, पर अब आगे चलकर देखने को पता चलेगा कि कंपनी का जो पैसा वो किस लिए किस हद तक यहाँ पे रिकवर हुआ है और कितना यहाँ पे रिकवर हुआ है। फिलहाल दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में अभी टाइम सबसे बड़ी जो गलती है वो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ, उससे पहले बता दूँ चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। और दोस्तों अगर आज के एंट्राडे के टोटल कारोबार की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँ तो 1,10,42,516 शेयर का आज के एंट्राडे के ऊपर कारोबार देखने को मिला, पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो 16,91,140 शेयर आज के मार्केट के ऊपर सेलिंग ऑर्डर नजर आया। तो ये सबसे बड़ी अभी टाइम मूर्खता यहाँ पे होने वाली है। कंपनी में टोटल गिरावट की अगर बात की जाए तो कंपनी में दोस्तों उद्योग मार्जिन फिर से अभी टाइम कंटिन्यूसली डे बाई डे यहाँ पे देखने को नजर आ रहा है, बढ़ता हुआ देखने को नजर आ रहा है। तो इसी के चलते जो है मार्केट में गिरावट यहाँ पे नजर आए। अगर देखा जाए दोस्तों निफ्टी 50 पर भी लगा
लगातार जो है गिरावट है, इंडियन मार्केट जो है वो भी यहाँ पे क्रेश देखने को नजर आया, तो इस वजह से भी काफ़ी बड़ी जो है नेगेटिविटी कंपनी में नज़र आ सकती है। फिलहाल आज की डिलीवरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों डिलीवरी काफ़ी अच्छी देखने को नजर आई है, 67.39% की। क्वांटिटी का जो ट्रेड आज के रहने वाला है दोस्तों 1,01,67,285 शेयर का आज का जो है क्वांटिटी ट्रेड आज के मार्केट पर देखने को मिलने वाला है। पर मंडे को लेकर दोस्तों अभी टाइम गिरावट जो है वो फिर से नजर आ सकती है। कंपनी का जो रिजल्ट है उसकी बोर्ड मीटिंग दोस्तों नेक्स्ट वीक में फाइनल होने का जो चांस है वो यहाँ पे नजर आ सकता है, या फिर दोस्तों नेक्स्ट मंथ ही डायरेक्टली जो है वो आप लोग को नजर आने वाला है, उससे पहले आप लोग को कुछ आने वाला है नहीं। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पेन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।